मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला होने वाला है। इसे लेकर दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। बीजेपी ने अभी से अपने किले को मजबूत करने के लिए मुकम्मल प्लान बना लिया है। जानकारी के मुताबिक राज्य की सत्ता में वापसी के लिए पार्टी का मेगा बूथ एक्शन प्लान तैयार हो चुका है। पार्टी ने पिछले चुनाव की तुलना में 10% ज्यादा वोट पाने की एक्सरसाइज शुरू कर दी है। पिछले चुनाव में उसे 41% ही वोट मिले थे, यानी इस बार उसकी कोशिश 51% वोट हासिल करने की है। इसलिए बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की छवि को एक बार फिर से नई लोकप्रियता देने की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में पार्टी गुजरात वाला ही फॉर्मूला अपनाएगी। गुजरात चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 65,000 बूथों पर सघन संपर्क अभियान की रणनीति तैयार की है। इसके तहत 65,000 बूथ कमेटियों के सदस्यों से सीधा संवाद होगा। पार्टी ने इस बार 200 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पिछले चुनाव में हारी हुई 100 सीटों को चुनाव जीतने का प्लान भी तैयार हो चुका है। हारी हुई 100 सीटों पर कमल खिलाने के लिए प्रभारी तय किए जा चुके हैं। 26 फरवरी से बीजेपी का सघन बूथ एक्शन प्लान शुरू हो सकता है। इस रणनीति को अमली जमा पहनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज यानी शुक्रवार को सतना पहुंचे हैं। यहाँ उन्होंने माता शबरी की जयंती पर आयोजित कुल जनजाति के एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान शाह ने शिवराज सरकार की तारीफ करने के साथ साथ कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। शाह ने सीएम शिवराज की तारीफ करते हुए उन्हें गरीबों का हितैषी बताया और मध्य प्रदेश का लोकप्रिय मुख्यमंत्री बताया। उन्होंने कहा, मैं शिवराज सिंह और बीजेपी सरकार को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी जरूरतें पूरी की हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी सरकार को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने आपकी सारी जरूरतें पूरी की हैं। उन्होंने कहा, जब आपने 2014 में मोदी की सरकार पहली बार बनाई, तब मोदी जी ने कहा था कि यह सरकार आदिवासियों, पिछड़ों और गरीबों की सरकार है। आज 9 साल बाद जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि एक बात को पूरा कर जमीन पर उतारने का काम किया गया है। कांग्रेस पर हमला करते हुए शाह ने कहा, मध्य प्रदेश में थोड़े समय के लिए पंजे की सरकार आई थी, उसने जनजातियों के लिए योजनाओं को बंद कर दिया था, लेकिन उनकी सरकार गिर गई तो शिवराज ने फिर से योजनाएं शुरू कर दी। मोदी और शिवराज के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनी और चल रही है। उन्होंने कहा, इसी वर्ष में चुनाव आने वाला है, फिर से बीजेपी की सरकार बनाना है। हालांकि राजनीतिक पंडितों का मानना है कि राज्य की शिवराज सरकार के खिलाफ थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी का भी मामला है, क्योंकि राज्य में बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा निकल कर अब सामने आया है और इसीलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा किए जाएं, क्योंकि इसी मुद्दे से मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को ऑक्सीजन मिल रही है और कांग्रेस मध्य प्रदेश में लगातार बेरोजगारी का मुद्दा काफी जोर शोर से उठा रही है, इसीलिए सारी कवायद की जा रही है। इसके अलावा कुछ विधायकों को लेकर जनता में भी काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। ऐसे माना जा रहा है कि ऐसे विधायकों का टिकट पार्टी आलाकमान काट सकता है। यानी कुल मिलाकर के बीजेपी पूरी रणनीति के साथ काम कर रही है, किसी भी तरीके से मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव जीतना है, और इसीलिए सारी कवायद बीजेपी की तरफ से हो रही है। लेकिन देखना यह होगा कि इस बार बीजेपी कांग्रेस को टक्कर देने के लिए उसके तरफ से उठाए जा रहे किन किन मुद्दों का समाधान निकालते हैं, और शायद यही कारण कि इस बार प्रदेश की नब्ज को पहले से ही टटोलने के लिए गृहमंत्री अमित शाह यहां के दौरे पर आए हुए हैं, क्योंकि चुनाव से पहले गृहमंत्री अमित शाह का उस राज्य में दौरा जरूर होता है जहां पर चुनाव होने वाला होता है, क्योंकि वहां से जाकर के वो सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं और फिर उसके बाद उन सारी कमियों को दूर करने की भी कवायद गृहमंत्री अमित शाह अपने तरफ से करते हैं। माना जा रहा है कि इसी तर्ज पर एक बार फिर से मध्य प्रदेश का मूल्यांकन करने के लिए ही गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश का दौरा किया है। वीडियो डेस्क amarujala.com डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।